बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपको कविता का अर्थ समझाया। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपने कविता को लिखकर याद कर लिया होगा। आज मैं आपको कविता के पीछे दिए गए अभ्यास को हम हल करेंगे। तो हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, कविता किसके बारे में है? बताइए बच्चों, कविता किसके बारे में है? हाँ, जाड़े की धूप के विषय में ये कविता है। दूसरा प्रश्न है, धूप कब निकलती है? बच्चों बताइए, धूप कब निकलती है? शाम को? नहीं, कब निकलती है? सुबह। धूप सुबह निकलती है। दूसरा है बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें हमारा पहला है, धूप इस रंग की है। आपका विकल्प है पीली, नीली और हरी। बताइए किस रंग की है? पीली। दूसरा प्रश्न है, धूप चमकती है। पहला विकल्प है सोने जैसी, दूसरा विकल्प है चांदी जैसी और तीसरा विकल्प है पानी जैसी। कैसी चमकती है धूप? सोने जैसी। तीसरा प्रश्न है, धूप छिप जाती है। कब छिप जाती है धूप? पहला विकल्प है सुबह में, दोपहर में, शाम में। बताइए बच्चों, कब छिप जाती है? शाम में। सही। उसके बाद है, कविता की पंक्तियों में छूटे शब्द भरिए। पहली पंक्ति है, कोहरे की खाली जगह में लिपटी। बताइए क्या आएगा इस खाली जगह में? कोहरे की चादर में लिपटी। कौन, क्या शब्द आएगा? चादर। दूसरी पंक्ति है, लगती गीली गीली खाली स्थान। क्या आएगा यहाँ पर? लगती गीली गीली धूप। तो पूरी पंक्ति इस प्रकार है, कोहरे की चादर में लिपटी, लगती गीली गीली धूप। दूसरी पंक्तियां हैं, रोज खाली स्थान को जल्दी जल्दी छिप जाए खाली स्थान धूप। तो क्या आएगा? रोज शाम को जल्दी जल्दी छिप जाए शर्मीली धूप। उसके बाद बच्चों, आपकी है कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिनमें धूप की तुलना की गई है सोने से। तो कौन सी पंक्तियां आएंगी? सुबह हुई तो घर से निकली सोने सी चमकीली धूप। क्या है? सुबह हुई तो घर से निकली सोने सी चमकीली धूप। दूसरी पंक्ति माचिस की तीली से की गई है। तो कौन सी पंक्ति आएंगी इसमें? जले फर से फिर बुझ जाए जो माचिस की तीली धूप। बच्चों, आशा करती हूँ मैंने जो ये अभ्यास हल किया आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसे लिखकर याद करना है। धन्यवाद।